तो दोस्तों अभी सुबह के 7 बजे हैं, तो सभी पशु को अभी सूखा चारा डालेंगे। आज तो झाकड़ आई थी थोड़ी थोड़ी, यहाँ पर है बछड़ा। सुबह में ये मस्ती के मूड में होता है तो उछल कूद बहुत करता है। अब हमारी बड़ी गाय को डालेंगे। मजा आता है तुम्हें उछल कूद करने में? बोलो। तो सुबह का चारा डालने के बाद जो ये पशु रात में जो चारा भी काटते हैं वो जो गोबर करते हैं और ऊपर से जो ये पेड़ है हमारे बखायामले और उमरे के, ये सब पेड़ वड है एक तरफ, उसके पत्ते भी गिरते हैं रात में, तो वो सब भी क्लीन करना पड़ता है। तो ये सब क्लीन करके इकट्ठा करके और उसको उठाकर जो हमारे उखड़ा बोलते हैं उसमें डाल देंगे। और रात में जो पशु गोबर करते हैं और अभी जो क्लीन किया था वो सब इकट्ठा किया हुआ था, तो उसको उठाकर अब जो उकड़ा बोलते हैं उसमें डाल देंगे क्योंकि हम इसका खाद बनाते हैं। तो आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। मैं हर रोज़ ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, तो व्लॉग को एंजॉय कीजिए।
यहाँ पे उकड़ा बोलते हैं, जो पशुओं का गोबर है वो यहाँ पे डालते हैं। तो सुबह में जो क्लीन किया था और इकट्ठा किया था वो सब यहाँ डालते हैं। तो अभी हम बना रहे हैं लापसी, जो आज वाचरा दादा है उसका निवेद है। हमारे सभी गांव वाले वाचरा दादा का आज निवेद कर रहे हैं। तो ये गेहूं का आटा है जिसको अभी सेक रहे हैं चूल्हे पे। हम यहाँ पर इसको बकड़ियाँ बोलते हैं। तो गेहूं के आटे को बकड़ियाँ पर रखा है अभी। तो दोस्तों अभी इस वासन में हमने घी डाला है, चूल्हे ऊपर रखा है घी को, और इसमें अभी जो गेहूं का आटा सेका था हमने वो डाल देंगे। तो अभी गेहूं का आटा डाल रहे हैं इसमें। तो इसमें आटा डाल दिया है तो अभी इसको ढक देंगे। तो फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा घी और गुड़ लिया है, तो घी और गुड़ को मिक्स कर देंगे। और इसमें जो हमारा आटा था वो डाल देंगे, इसमें मिक्स कर देंगे, फिर बन जाएगी लापसी हमारी तैयार। अभी मिक्स कर रहे हैं दोनों को। तो हमारी लापसी बनके रेडी हो गई है। तो ये है कांसा, कांसा का वासन। तो ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो लापसी को इसमें डालते हैं। तो लापसी बनकर रेडी हो चुकी है अभी। तो कांसे के वासन में लापसी ली है, यहाँ पर घी है और वाट बोलते हैं जो दीप जलाने में काम आती है, और श्रीफल और अगरबत्ती ली है। तो इतनी चीज़ें होती हैं निवेद में, जो वासरा दादा का निवेद है आज। तो दोस्तों मैं अभी बैंगन के छोड़ में पानी दे रहा हूँ, वहाँ से पानी आ रहा है। तो इसमें मैंने खाद डाला है यूरिया। यह है सफ़ेद सफ़ेद दाने जो यूरिया के हैं, और ये छोटी छोटी हैं वो मिर्च हैं जो मैं लगाई थी।
और इस तरफ है टमाटर जो बड़े होने चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है वेट क्लीनिंग मशीन, जिसको हम ओपनर बोलते हैं यहाँ पे, जो मूंगफली निकालने में और गेहूँ साफ करने में काम आती है। तो अभी हम थोड़े से बचे हुए गेहूँ को साफ कर रहे हैं और फिर ड्रम में भर देंगे, क्योंकि अगले साल बोने में काम आएंगे। तो इस ड्रम में पानी आता है, तो थोड़ी देर ओपनर चलने के बाद ये पानी गर्म हो जाता है फुल, और ऊपर से गेहूं को डाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो गेहूं के ऊपर जो कवर होता है, जिसको हम पुतड़ा बोलते हैं, तो ये पुतड़ा वाले गेहूं आते हैं, इसको हम पुतड़ा बोलते हैं। और अंदर एक पंखा होता है, ये घूम रहा है, जो पीछे हवा डालता है। तो यहाँ से हवा निकलती है, हवा के साथ जो छोटे छोटे बारीक गेहूँ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं इस तरीके से। और ये छोटे छोटे हैं, जिसको हम कणकी बोलते हैं। तो ये दो खाने में कणकी आ रही है दो जगह से। और ये एकदम साफ गेहूँ आ रहे हैं, ये पहले खाने में। तो वहाँ से गेहूँ को डाल रहे हैं अंदर। तो ये जो साफ गेहूँ निकलते हैं, वो जो पहले डाले थे वहाँ पे डाल रहे हैं, जो मैं आगे बताऊँगा वीडियो में। तो दोस्तों अभी गेहूँ अंदर डाल रहे हैं, जो पहले डाले थे उस जगह पे ही। तो ये साफ गेहूँ आते हैं, ये लॉक वन है, टुकड़ा नहीं है। तो यहाँ से डायरेक्ट ये बैरल भर के इस रूम में रख देंगे। तो इस सौड़े को ऐसे हाथ से घुमाना पड़ता है। तो अभी मेरा भाई चला रहा है ट्रैक्टर, ये पीछे सौड़े बोलते हैं, जो प्लाव है वो। इसमें ट्रैक्टर बहुत धीरे चलता है, क्योंकि ये ज़मीन के बहुत अंदर तक जाते हैं। ये ज़मीन को पूरी बदल देता है। तो इस खेत में जो नींद होता है, नींदामण, वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में निकल आता था, इसलिए हमने इसमें सौड़ा लगाने का सोचा, क्योंकि जो नींदामण के बीज है वो ज़मीन के अंदर चले जाए तो फिर कम निकले बाहर। और पीछे आ गया है हमारा टाइगर। और ये मंदिर है, जो मैंने अगले वीडियो में बताया था।
दोस्तों ये है मंदिर जो मैंने अगले वीडियो में बताया था, जो हमारे सूरापुरा बापा है उसका मंदिर है। ये टाइगर भी आ गया। ये है तुलसी जी का छोड़ जो इसके पत्ते खाते हैं, और ये छोड़ इतने बड़े हो चुके हैं अभी, तो मैं दर्शन कर लेता हूँ अभी। तो ये है सूरा बापा का मंदिर, सूरापुरा बापा। थोड़ी बोलने में मिस्टेक हो जाती है क्योंकि हिंदी इतनी ऊंची आती नहीं है। तो अभी ट्रैक्टर के टायर घूम रहे हैं, उतना जो ये पीछे छोड़ा बोलते हैं वो अंदर जा रहा है। तो अभी मैं चलाऊंगा ट्रैक्टर, फिर मुझे घर जाना है क्योंकि काम है थोड़ा सा। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।